बना रहा हूं तसव्वुर में एक मुद्दत से, एक ऐसा शहर जिसे कोई रास्ता न लगे। लाहौर एक जिंदा तहजीब, यहाँ कदम कदम पर तारीख दीदा दिल फर्शे राह किए हुए है। आप शहर से गुजरते हैं तो कई जमाने साथ चलते हैं, सदियों की कहानियां फैली हैं, किरदारों की कुन मकुन नगमगी बखेरती हैं। आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है कि जिसने अदाकारी की तो दुनिया को अपना दीवाना बनाया, और जब गाना गाया तो मुल्काए तरन्नुम के नाम से जानी गई। मैं बात कर रहा हूँ मुल्काए तरन्नुम मैडम नूरजहां की, और आज उनका घर ढूंढने पहुंचा हूँ लाहौर के इलाके हीरा मंडी। हीरा मंडी 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान में मुगल दौर में बसाई गई, और ये इस दौर में कॉनकोबाइन की रिहाइशगाह थी। कहते हैं कि मुगलों ने बड़े सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों से रक्स में महारत रखने वाली तवाइफों को हीरा मंडी लाकर बसाया था। ये लाहौर के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी जाना जाता था। मेरे इर्द गिर्द इन कोठों से कभी घुंघरू की आवाजें गूंजा करती थी। नूरजहां 21 सितंबर 1925 को पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुई, जो कि अपने माँ बाप के 11 बच्चों में से एक थीं। एक रिवायती मौसीकार घराने में उनकी परवरिश हुई। कहते हैं कि उन्होंने 5 साल की उम्र से गाना गाना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वो बड़े सगीर के अजीम गुलूकार बड़े गुलाम अली खान की शागिर्द हुई। नूरजहां ने बचपन ही से अदाकारी का आगाज भी कर दिया था। 1935 में केडी मेहरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी में अदाकारी की। इसके बाद 1936 में फिल्म मिस्र का सितारा, और फिर 1937 में फिल्म हीर सियाल में अदाकारी के जौहर दिखाए। अड़तीस में वो कसूर से लाहौर शिफ्ट हुई और इसी इलाके हीरा मंडी में मुकीम रही। आज हम उनके घर को ढूंढने यहाँ पहुंचे हैं। मौसम शदीद गर्म है और सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में ठंडा ठंडा दूध सोडा बनते देखा तो खुद को रोक ना पाया। मैडम नूरजहां के घर का पता पूछने पर मालूम हुआ कि वो खुस्सा बाजार में मौजूद है। अब मुझे तलाश करनी है खुस्सा बाजार की। हीरा मंडी आए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ का मशहूर पान ना खाएं? कहते हैं कि लखनऊ के नवाब पान के शौकीन हुआ करते थे, और कोठों पर बैठे तमाशबीन भी। और पान का असल मजा उस वक्त आता है जब इसमें तंबाकू डला हो। 1938 में लाहौर शिफ्ट होने के बाद नूरजहां ने फिल्म खानदान में लीड रोल किया, जिसमें अदाकार परान उनके मद्दे मुकाबिल थे। फिल्म को बेहद पजीराई मिली और फिल्म डायरेक्टर सैयद शौकत अब्बास रिजवी के हमरा मुंबई शिफ्ट हो गईं।
कुछ अरसा बाद उन्होंने सैयद शौकत अब्बास रिजवी से शादी भी कर ली। ताहम 1947 में पार्टीशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। मैं पहुंच चुका हूं खुस्सा बाजार में। इस बाजार में आपको रंग बिरंगे रिवायती नक्शो निगार वाले खुस्से नजर आते हैं। सोचा पहले मैडम नूरजहां का घर ढूंढ लें, फिर खुस्सों की खरीदारी करते हैं। ये है वो घर, वो हवेली, वो मकान जहाँ किसी जमाने में सुरों की मलका नूर जहाँ रिहाइश पजीर रही। किस्मत उन्हें यहाँ से उठाकर आसमान की बुलंदी पर ले गई। 40 शोहरा आफाक फिल्मों में काम किया, सैकड़ों बेमिसाल गाने नगमे गाए, सदारती अवार्ड समेत बेतहाशा अवार्ड अपने नाम किए, और उन्हें इस खिताब से नवाजा गया जो दूसरे किसी की किस्मत में ना आ सका। मलका ए तरन्नुम मैडम नूरजहां।